हेलो गाइस, हेलो। तो मैंने अभी मम्मी आ गई, तो मैंने ना अभी मतलब एक हाँ तो मैंने गाइस अभी ना एक Q&A वीडियो बनाई है। मेरी मम्मी आ गई तो मेरे को हंसी आ गई। Q&A वीडियो बनाई है तो, और मैं इससे पहले ये इसे डाल रहा हूँ क्योंकि शुरू शुरू की वीडियो में ना थोड़ा सा वो नॉइस आ गया था, मतलब बैकग्राउंड का थोड़ा आवाज़ आ रहा था कि मम्मी ना बर्तन धो रही थी तो उसका थोड़ा आवाज़ आ गया, तो उसे इग्नोर करना। बाकी का सब वीडियो बिल्कुल क्लियर है, पर शुरू का थोड़ा सा पार्ट है ना जो वो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। और मैं जिन जिन को भी रिप्लाई जिन जिन का मैसेज का मैं रिप्लाई कर सका उनका तो उन्होंने देख लिया होगा, जिन जिन को नहीं कर सका नहीं नहीं कर सका उनको दिल से सॉरी। और क्योंकि मैं अकेला ही बंदा हूँ, तो अकेला ही बंदा हूँ मैं व्लॉग करता हूँ, अकेला ही बंदा है मैं करता हूँ एडिट, और एडिट करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पता नहीं सबको लगता है कि मेरे को ही लगता है, तो देख लेना आगे वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी 7:30 बज रहे हैं रात के, और एक छोटा सा Q&A कर लेते हैं। क्वेश्चन आए हुए थे बहुत सारे, तो आज सुबह से कुछ था ही नहीं करने को, तो फिर मैंने इसलिए ब्लॉग किया नहीं। और आज मैं कहीं गया ही नहीं, आज कॉलेज की छुट्टी थी, और मेरे को थोड़ा सा ये इधर पेन हो रहा है पीछे एंकल के पीछे, तो थोड़ा सा फिजियो ने रेस्ट के लिए बोला है 1-2 दिन के लिए। तो अभी पूरा दिन बारिश हो रही थी आज, और कुछ काम था नहीं, तो एक छोटा सा दिखाता हूँ क्यों बनना है। मैंने इंस्टा पे डाली थी पोस्ट। तो पहला क्वेश्चन है नो, मेरी बहन ने लिखा है नो। दीदी कोई क्वेश्चन पूछना था वैसे, तो अगर पूछ लेती तो नो चल ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त ने ये तो चलो छोड़ो। और तीसरा क्वेश्चन है 10 वरिंदर का, सेकेंड टाइम हुआ है मेरा ऑपरेट ब्रो। तो वही सेकेंड टाइम हुआ है चाहे थर्ड टाइम हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना अच्छे से रिहैब करो, स्ट्रेंथनिंग करो, और वापस फील्ड पर उतर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन है अनिल राहुल, सिर्फ जे लिखा है। अब जे का मुझे नहीं पता कि क्या रिप्लाई देना है, सिर्फ जे लिखा है उन्होंने। यहाँ देख लो ऊपर कहीं ना कहीं आ गया होगा, ऊपर या नीचे कहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुरमीत का, ये लिखा है अब नहीं कैसा है आपका, मतलब कितना परसेंट रिकवर हो चुका है। भाई मेरा पूरा नहीं प्रॉपर है, और मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है, खेलना भी स्टार्ट कर दिया है, सब कुछ पहले जैसा है। और ये बोल रहा है बुर्दक भाई है, बोल रहा है सेकंड वीडियो। भाई सेकंड वीडियो कल आएगा, कल देख लेना। और अगला क्वेश्चन है इट्स मी उपेंद्र का, भाई आपका फिजियो ने स्ट्रेंथ के लिए क्या एक्सरसाइज बोली थी, आप मुझे अपना शेड्यूल बता सकते हो। भाई मेरा तो शेड्यूल ऐसा था कि क्या मतलब, पहले मेरा एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ था, मतलब 6 हफ्ते बाद धीरे धीरे एक्टिवेशन करके धीरे 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 मेन वर्कआउट ऐसे स्क्वाट्स एक्सटेंशन वगैरह डेडलिफ्ट वगैरह धीरे धीरे धीरे। उसके बाद 4 महीने के बाद में जॉगिंग स्टार्ट हुई थी, स्ट्रेंथ आ गया था प्रॉपर और पेन चला गया था। तो सबका अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, जैसे आपका फीसो करवाएंगे वो अपने फीसो से पूछ लेना। और अगला क्वेश्चन है रोहित सिंह का, 2 मंथ्स हो गए हैं सर्जरी को लेकिन अभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई है। भाई मेरी तो 4-5 महीने तक नहीं आई थी, आपको तो फिर भी अभी 2 ही महीने हुए हैं। 2 महीने मतलब 8 वीक्स है ना, 8 वीक्स हुए, मतलब 8-9 वीक्स के अराउंड हुआ है। तो भाई अपना स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दो, स्टेबिलिटी पे ध्यान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाइट पे ध्यान रखो आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मेरे सर का ही है, मेरे जो जब मेरे एंकल में लगी थी उन्होंने मेरे वहाँ क्लब में रिहैब कराया था, कैसा रहा पूरा रिहैब, मेरी कमी महसूस हुई क्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी कमी तो महसूस हुई, आपने करवाया था मेरा एंकल का रिहैब, याद है मेरे को। अगला क्वेश्चन है सैगनिक का, चलने टाइम नहीं कभी कभी लॉक होता है ना,
भाई सर्जरी के बाद तो मेरा नहीं, कभी लॉक नहीं हुआ, कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो उससे पहले ही मेरे को कभी नहीं होता था भाई। वो सबका अपना अपना है, किसी का जैसे मुझे नहीं पता कि नी क्यों लॉक होता है, डॉक्टर को ज़्यादा पता है, फिजियो को ज़्यादा पता है, मुझे नहीं पता, पर मेरा कभी नहीं हुआ। और अगला क्वेश्चन है हरमन चीमा का, हाउ मैनी टाइम इट टेक टू फुल रिकवरी। भाई इसने लिखना होगा हाउ मच टाइम, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में फ़र्क हो गया। कोई बात नहीं भाई, भाई फुल रिकवरी तो सबका भाई अपना अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 6 महीने के बाद ही खेलना स्टार्ट कर दिया था, कोई कोई 7 महीने बाद स्टार्ट करते हैं। सबका अपना अपना प्रोटोकॉल रहता है, उनका पेन, उनका स्ट्रेंथ कैसा है। तो मेरा भाई 6 महीने के बाद मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया था। और अगला क्वेश्चन है सुख सुख 1111198, ब्रदर माई ACL सर्जरी इज डन बाय सेम डॉक्टर। हाँ तो भाई वो बहुत अच्छे डॉक्टर, मणिदोड़ा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने तो उनसे ही करवाया। मैंने तो घर में भी बोल दिया था कि अगर सर्जरी करवाऊँगा तो उनसे करवाऊँगा, वरना तो नहीं करवाऊँगा, मतलब करवाऊँगा पर लेट, उनसे करवाऊँगा, तो बेस्ट डॉक्टर। अगला क्वेश्चन है अमन डॉट ईगल का, माई 90 डिग्री फ्लेक्स हो रहा है। तो भाई धीरे धीरे, अगर आपकी सर्जरी को पता नहीं मुझे कितना टाइम हुआ है कितना नहीं, मेरा तो धीरे धीरे ही मुड़ने लगा था पैर, और मेरा तो एक्सटेंशन भी मतलब बहुत लेट आया था, मतलब पैर सीधा होने बहुत टाइम लग गया था, जो लास्ट का थोड़ा सा 5% बचता है, तो हो जाएगा सब कुछ, अपना रिहैब करो सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज झा, ब्रो जॉगिंग कौन से मंथ में स्टार्ट करते हैं आफ्टर ACL। भाई सबका वही, जैसे मैंने बोला ना कि सबका अलग अलग प्रोटोकॉल रहता है, मेरा 6 महीने के बाद स्टार्ट हुआ था। और जैसे मेरा एक दोस्त का, उसका अराउंड 7 महीने के आसपास स्टार्ट हुआ था। जॉगिंग 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 की बात कर रहे हो ना, तो जॉगिंग मेरी 4 16 वीक्स 16 18 वीक्स के आसपास, मतलब 4 महीने के बाद शायद मेरी जॉगिंग जॉगिंग लाइट जॉगिंग ट्रेडमिल पे जिम में स्टार्ट हो गई थी शायद। तो भाई अगला क्वेश्चन है वट ग्राफ्ट हैज़ बीन यूज, शायद उसने वट की विच लिखना होगा, उसकी जगह वट लिख दिया। भाई कोई बात नहीं, हाँ मैं भी आप लोगों के जैसे ही, मेरे को भी नहीं आती इतनी इंग्लिश। तो मेरा पेरोनियस ग्राफ्ट यूज हुआ था, जो एंकल के पास से निकालते हैं, किसी का हैमस्ट्रिंग यूज होता है, किसी का क्वाड से, मेरा पेरोनियस ग्राफ्ट यूज हुआ है। और अगला क्वेश्चन है इज़ इट पेनफुल, भाई सर्जरी में तो कोई पेन नहीं होता क्योंकि एनेस्थीशिया लग जाता है, तो सर्जरी के बाद ज़रूर पेन होता है थोड़ा बहुत, 2 हफ्ते तक थोड़ा बहुत रहता है पेन, मतलब हो जाता है सब कुछ, उसमें कोई इतना कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन है आई हैव डन माई ACL एंड मेनिस्कस Grade 3 सर्जरी व्हेन आई गिव वेट ऑन इट। भाई मेरा मेरा भी मेनिस्कस और ACL हुआ है, मेरे को बोल रहा था फर्स्ट वीक में 50% वेट रखना है, सेकेंड वीक में पूरा वेट रखना है पर वॉकर के साथ, और तीसरे वीक में क्या बोला था, हाँ उसके बाद पूरा वेट रख सकते हैं पर वॉकर के साथ। मेरा वॉकर हट रहा था 3 हफ्ते के बाद, वॉकर मेरा हट गया था, उसके बाद ब्रेस लगा हुआ था बस, तो 6 हफ्ते तक मेरा ब्रेस लगा हुआ था। तो इससे आप आइडिया लगा लेना जितना भी होगा। तो एक मेरे दोस्त ने मैसेज किया है, आप तो लीजेंड हो सर, आपको क्या ही बताए। भाई भाई फिर एक अगला क्वेश्चन है नॉर्मल वॉकिंग कब करने लगे और रनिंग कब से स्टार्ट की। भाई नॉर्मल वॉकिंग मैं 6 हफ्ते के बाद करने लग गया था, नॉर्मल वॉकिंग 6 7 8 हफ्ते के बाद मैं करने लग गया था, और रनिंग रनिंग मेरी अराउंड स्टार्ट हुई 4 महीने के बाद, पोस्ट 4 मंथ्स। हाउ वाज द सर्जरी, सर्जरी भाई बहुत अच्छी, और अभी मेरे को कोई कोई इशू नहीं है, मैं कॉम्पिटिटिव खेल रहा हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अबाउट टू अंडर गो सर्जरी फॉर माई ACL, प्लीज़ रिवर्ट बैक। तो उन भाई को मैंने शायद रिप्लाई भी कर दिया था इंस्टा पे, और भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जैसे डॉक्टर कहे उसके बाद अपना जो भी तुम्हारा मेडिकेशन चलेगा उसका ध्यान रखो, और जो भी एक्सरसाइज बताया वो करते रहो, रिहाब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना मंथ तक प्रॉपर रिकवर होता है ब्रो,
प्रॉपर रिकवरी में वही वही डॉक्टर 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने कहते हैं, पर मेरे को एडवाइस किया था कि मैं 9 महीने के बाद खेलूं, पर मैं 6 महीने के बाद ही खेलने लग गया था क्योंकि मेरा मैं बिल्कुल फिट था। क्या ACL सर्जरी के 3-4 मंथ तक इंस्टेबिलिटी लगना नॉर्मल होता है? हाँ भाई नॉर्मल है, मेरे को तो काफ़ी दिन तक था इंस्टेबिलिटी, उसके बाद स्टेबिलिटी एक्सरसाइज तो मेरी काफ़ी लेट शुरू हुई है, तो कोई बात नहीं भाई नॉर्मल है, अपना रिहैब ध्यान दो, स्ट्रेंथ पे फोकस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन है, हेलो वीरे, मैं ACL रिकन्स्ट्रक्शन करवाया, पता नहीं क्या लिखा है, करवाया सी, कितना टाइम लगू ठीक होने में? मैनू 1.5 मंथ हो गया भाई रिकवर होने में, मतलब 1.5 मंथ हुआ है तो आपको मेरे ख्याल अराउंड 6 वीक्स के अराउंड हुआ है, 6 to 7 वीक्स के अराउंड, तो अभी तो आपका शायद ब्रेस उतर गया होगा, तो भाई अपना रिहैब करो प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट एक और क्वेश्चन है, आपका फिजियो का कॉस्ट कितना पड़ा? भाई देखो मैं फिजियो का तो मैंने कोलकाता में रिहैब किया था, फिजियो का मेरे को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, मेरे को सर्जरी का बस पता है क्योंकि वो भी थोड़ा मम्मी पापा ने बताया, बाकी फीजियो का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो भाई अगला क्वेश्चन है, स्पीडी रिकवरी, एक क्वेश्चन तो नहीं है, उन्होंने बोला है स्पीडी रिकवरी, भाई वैसे आपका थैंक यू, बट मैं फुल रिकवर हो चुका हूँ और मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है, वो बस मैंने एक डाला था कि कुछ पूछना हो तो मेरे ACL सर्जरी से रिगार्डिंग तो पूछ सके, बस थैंक यू आपका बहुत बहुत। हाँ तो भाई देखा है सारे वीडियो तो, और मतलब किसी के भी अगर कुछ डाउट्स बचे हों तो मैं फिर से Q&A बना दूंगा एक बार, तो कोई बात नहीं उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, और ये वाले वीडियो को ज़्यादा लंबा रखते हैं यहीं ख़त्म करते हैं, तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो, वैसे व्लॉग नहीं था एक Q&A था एक, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और अगला मेरा वीडियो आ रहा है ACL इंजरी का Part 2 वीडियो आ रहा है, मैंने Part 1 भी बनाया हुआ है, किसी ने Part 1 नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना, मैं और मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली है, प्लीज़ देख लेना, वो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।